विकसित भारत संकल्प यात्रा को झारखंड में लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य को लेकर लोहरदगा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता को आगे बढ़ा रही है। झारखंड के लोहरदगा अंतर्गत सदर प्रखंड स्थित पंचायत भवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आगमन से विकास की चाह रखने वालों के चेहरे खिल उठे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला पुरुष के साथ किसान मजदूर भी पहुंचे, जो बेहतर भविष्य को लेकर आशान्वित दिखे। लोगों ने विकास रथ का जोरदार स्वागत किया और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। मौके पर लाभार्थियों ने पीएम आवास योजना की प्रशंसा करते हुए पहले कच्चे मकान में रहने की पीड़ा बताई और वर्तमान के आराम सुकून की चर्चा की। लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना को वरदान बताते हुए कहा कि रसोई गैस मिलने से महिलाओं का काम आसान हुआ है, जिससे वो खुद और परिवार के लिए समय निकाल पाती हैं। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत कई लाभार्थियों ने आयुष्मान भारत योजना के फायदे बताए और गरीबों तथा वंचितों के लिए इसे संजीवनी के समान बताया। गर्भधारण की थी उस टाइम मातृ सुवर्णा योजना के तहत से 5,000 रुपये मिले। मेरा स्वास्थ्य कार्ड बना है और 2 महीना पहले हमारा पति का पथरी हो गया था, तो हम लोग वही कार्ड से ऑपरेशन करवाए। मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जिससे पूरा परिवार का इलाज होता है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा की वरिष्ठ नेता आशा लकड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से कमजोर वर्गों को अब सही अर्थों में उनका हक मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में सुधार और सुखद परिवर्तन आया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की गाड़ी निकल पड़ी है और हर पंचायत में पहुंच रही है। अभी पंचायतों में जनता का भीड़ लगी हुई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे, उज्ज्वला योजना की बात करेंगे, आयुष्मान की बात करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा झारखंड के दूरदराज के क्षेत्रों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में जन जागरूकता के काम को आगे बढ़ा रही है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को मुकाम मिल सके। आसिफ के साथ मैं दिवाकर कुमार, न्यूज़ 10।